हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजन पुरोहित अगर आप अपने मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं टॉपिक वाइज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है तो कैसे हम करेंगे सुन यहाँ पे टॉपिक वाइज चीजों को अगर आप समझेंगे उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे बहुत ईजिली एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर आप आईडी जे गेट और सी या फिर अलग अलग एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट देखिए आज मैं आपके सामने बताऊंगा सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उस उसमें बेस बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को समझेंगे कि यार क्या क्या क्वेश्चन इंटरलिंक्ड यहाँ पे बनते हैं और वो इंटरलिंक जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एस अगर आपने इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने एम सीरीज में अपलोड किए हैं अगर आपने नहीं देखे तो सुनिए मैंने यहाँ पे कमेंट में पिन कर रखा है यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखिए पे कैसे करेंगे सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है अगर आपको सच मैट्रिक्स इज नॉन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो एंट्री तो कैसे होती है बी सी यहां पे डी है तो यहां भी डी होना चाहिए यहां पे ई e है तो यहां भी ए e होना चाहिए यहां पे एफ है तो यहाँ भी एफ होना चाहिए राइट तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है सुन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे

ए ट्रांसफर्स इज इक्वल टू माइनस है होते हैं राइट अब यहां पे कभी कभी ट्रीवेल एंट्रीज और नॉन ट्रवेल एंट्रीज के बारे में बात करी जाती है right? राइट अगर ये थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है और इसकी ट्रीवल एंट्रीज की बात करें तो सुन ट्रीवल एंट्रीज कितनी आ रही ध्यान दीजिए मतलब कितने एलिमेंट हमारे पास यहां पर डिफरेंट आएंगे राइट तो जैसे मैं बात करूं सबसे पहले टू क्रॉस टू मैट्रिक्स के बारे में राइट right? तो मान लीजिए ए बी सी सी तो आप देख रहे हो इसके यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कितने एक तो ये आ रहा है और ये आ रहा है मतलब वन प्लस टू हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, right? राइट अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे वन आ रहा है, है ना फिर ये दो एलिमेंट आ रहा है फिर ये तो रिपीट कर रहे हैं वापिस तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे अगर हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट एलमेंट जो आएंगे वो कितने आएंगे सुन पे एन तक आएगा इसका जो सम होता है वो हमारे पास क्या आता है सुन है ना तो अगर हमारे पास ये बोला जाए कि कोई भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वहां पे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आती है अगर एन क्रॉस एन तो आएगा एन इन टू एन प्लस वन बाय होता है अगर बात करें हम लोग यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो सुन जैसे मैं बात करूं टू क्रॉस टू की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यार ये हमारे पास किस टाइप की होती है ये आता है जीरो जीरो और यहाँ आता है हमारे पास ए एंड माइनस है तो यार यहाँ पे हमारे पास वन डिफरेंट एलिमेंट आ रहा राइट है ना मतलब नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आ रही है अगर इसके बारे में बात कर दिया कितना वन एंड

की पॉइंट्स मैंने बताई सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल जितने भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उन सभी की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा रियल होती है इसव बात करें इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो जीरो होती है या फिर प्योरली इमेजनरी होती है प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है थ्री आयोटा राइट या माइनस का थ्री आयोटा या इस टाइप का है ना जैसे टू प्लस थ्री आयोटा ये कभी भी मैट्रिक्स के मैट्रिक वैल्यू नहीं हो सकती इमेजनरी राइट प्योरली इमेजनरी के अंदर हमारे पास ये रियल पार्ट नहीं आना चाहिए राइट सो यह ध्यान देने की जरूरत है सो नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स इज जीरो अगर हमारे पास कोई भी थ्री क्रोस थ्री की स्क्यूसीट्रिक मैट्रिक्स है फाइव क्रोस फाइव की स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटेमनेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा फॉर एक्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लू यहाँ पे जीरो 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 ये आ रहा है, ए माइनस ए माइनस बी बी एंड सी माइनस सुनिए किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है राइट अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 100 परसेंट जीरो आएगा राइट और अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसकी जो नलिटी आएगी वो एक या एक से बड़ी होगी और रैंक हमेशा यहाँ पे क्या होगी ऑर्डर से छोटी होगी राइट ये ध्यान देने की आवश्यकता है सुन यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा डायग्नोलाइजिबल होती है अगर आपको कोई मैट्रिक्स बोला जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स राइट आपसे बोले कि यार ये मैट्रिक्स किसिबल है भाई साहब है क्योंकि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है राइट right? तो हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है डायग्नोलाइजिबल होती है इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायग्नोलाइजिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे राइट इसमें मैंने एक इस्पल लिया राइट अगर हम बात करें कि यार ये हमारे पास डायगोलॉजिबल है या नहीं है ओवर आर तो ओवरआर डायगोलॉजिबल नहीं हुआ क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आयोट आएगी राइट है ना तो ये जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ रही पर वो ये डायगोलॉजिबल ओवर सी है बट ओवर आर नहीं राइट तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रैंक ऑफ ऑल ऑर्डर मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स राइट अभी मैंने बताया था कि अगर थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सक्सेस का डिटरमिनेंट जीरो होता है और अगर डिटरमिनेंट जीरो है उसकी रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से छोटी होती है राइट मतलब उसकी जीरो हमेशा एक आइगन वैल्यू होगी ही होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी ए पावर के भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल एन ये बात समझ नहीं अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या है सिमेट्रिक राइट right? अगर ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो

उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना चाहे ए सिमेट्रिक हो या ना हो राइट नेक्स्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा मैट्रिक्स होता है अगर ए और बी हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है तो जो होगा, वो स्क्यूट्रिक मैट्रिक्स कब होगा जब हमारे पास ये कंडीशन हो जाए राइट इसका मतलब क्या हो जा रहा है और बी हमारे अब आपसे बोला जा रहा कि है, रहा है matrix, जा रहा कि यार ए हमारे पास स्कूस्रिक मैट्रिक्स कब होगा तो हम ए बी का ट्रांसपोज लें तो यह क्या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होना चाहिए राइट है ना पर हम जानते हैं कि अगर कब हो जब इसकी वैल्यू माइनस का ए बी के बराबर आ जाए राइट है ना तो हम चेक करेंगे कब माइनस ए भी आ राइट तो हम काम का चूंकि हमें ये बोला जा रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे ए बी ट्रांसपोर्ट की जगह क्या रख देंगे माइनस का भी रख देंगे राइट और यहाँ कितना आ जाएगा सुन माइनस का ए आ जाएगा तो हम देख रहे हैं यार बी ए पर हम जानते कि यार इसकी वैल्यू तो माइनस ए बी के बराबर होना चाहिए राइट तो सुन इसकी वैल्यू माइनस ए बी कब होगा है ना जब यहाँ पे ये आ जाए तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो ब है वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए माइनस ए बी के बराबर होना चाहिए तभी तो ये होगा राइट अगर मैं इनको यहाँ पे माइनस ए बी को धर लूँ तो यार ए बी प्लस बी ए हमारे पास क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए अगर ऐसा है तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या हो जाएगी इसकी उस मैट्रिक होगी तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं नेक्स्ट बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के अंदर इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन देखा कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और उसका जो एलिमेंट है ए आई जे वो बी वन स्क्वायर माइनस बीजे स्क्वायर टाइप के हैं जहां पर आई और जे वन टू एन जा रहा है एंड डिस्टेंट रियल नंबर बी वन बी टू बी एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो इसमें जब हम इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे तो यार ये मैट्रिक्स किस टाइप की चेक कर लेते राइट इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री की जो मैट्रिक्स होती है क्योंकि एन ग्रेटर इक्वल टू थ्री बोल रहा है तो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स एक्जाम्पल लेते हैं वन टू आता है वन थ्री आता है एंड ये आता है हमारे पास टू वन टू टू एंड टू थ्री है ना इस आता है हमारे पास ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री राइट अब इसके एलिमेंट लिख लेते हैं राइट तो एलिमेंट लिखूंगा तो कैसा आएगा है ना इस उन वन, वन 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 क्या आएगा सुनिए बी वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर राइट है ना तो जीरो हो जाएगा राइट अरे भाई यहाँ पे i की जगह वन और j की जगह वन रखो राइट वन टू तो वन इज बी वन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर क्या रहा है सुनिएन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर राइट इसी टाइप से नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सुन नेक्स्ट इसी टाइप से हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ये आएगा हमारे पास बी वन स्क्वायर माइनस बी थ्री स्क्वायर आएगा इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर राइट अरे टू वन टाइप का हो रहा है ना ये जीरो हो जाएगा इस सुनिए आएगा बी टू स्क्वायर माइनस बी थ्री स्क्वायर आएगा राइट right. इसी टाइप से ये करेंगे तो बी थ्री स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर आएगा इसे आएगा बी थ्री स्क्वायर माइनस बी वन बी टू स्क्वायर आ जाएगा राइट right. और ये जीरो देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है एक इसकी सोमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है और इसकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये थ्री क्रॉस थ्री की, अगर फोर क्रॉस फोर की हुई और हमारे पास इवन ऑर्डर की हुई इसकी सोमेट्रिक मैट्रिक्स

दो दो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं और जब भी ऐसा होता है आप कैसे पता करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं तो सुन पे लाइन खींच दीजिए अब इनके एलिमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए एक जैसे होने चाहिए राइट अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है सिमेट्रिक होती है और अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका एडजोइ ए भी सिमेट्रिक होता है और ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है उसकी कोई भी पावर ले लो वो हमेशा सिमेट्रिक होती है ये बोल रहा है डी ऑप्शन में नॉट बी डायगोनलाइजेबल ये गलत हो जाएगा राइट तो इस तरह से करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बोल रहा कि 3 3 6, तो है कि डायमेंशन ऑफ वैक्टर स्पेस ऑफ थ्री क्रॉस थ्री सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज तो इसमें हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू है ना तो फिर यहाँ पे एन की जगह थ्री रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो थ्री इंटू फोर बाई टू हो जाएगा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सिक्स आ रहा है तो यार ये करेक्ट हो जाएगा ये बोल रहा डायमेंशन ऑफ वक्ट स्पेस थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स इज थ्री नॉट दिस इज नॉट करेक्ट द डायमेंशन ऑफ वक्टर स्पेस ऑफ फाइव क्रॉस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज टेन जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो इसका डायमेंशन हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन जो नॉन ट्रीवल एंट्रीज होती वही डायमेंशन होता है तो यहां पे एन की जगह हम क्या रख देंगे फाइव रख देंगे तो फाइव इंटू यहाँ फाइव माइनस वन फोर बाई टू हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेन आ रहा है मतलब ये करेक्ट हो जाएगा ये बोल रहा है सिक्स को सिक्स का भी टेन होगा तो जब यहां सिक्स रखेंगे तो सिक्स इंटू फाइव बाई टू तो पंद्रह हो जाएगा सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट राइट

तो ये हमेशा क्या होता है सुन स्क्यू सेमेट्रिक्रिक होता है राइट ये ध्यान देने की जरूरत है तो हम यहां देखेंगे सुन ये हमारे पास बी स्क्यू सेमेट्रिक्रिक मैट्रिक्स है और इसकी पावर यहां पे इवन है तो ये सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इस सुन यहां पे इसकी पावर ऑड है तो ये यह स्कूल होना चाहिए जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रखा है दैट्स दिस इज नॉट करेक्ट इस सुन यहां पर बोला जा रहा है कि बी दो दो हजार उन्नीस जो कि हमारे पास ऑड पावर है तो ये क्यू सेमेट्रिक होता तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं सुन क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ मुझे ये जरूर बताइए लास्ट में मेरी पूरी एमएसक्यू की सीरीज आप यहाँ जाके देख सकते हैं जहां पर मैंने सब वीडियोस अपलोड कर रखे इसमें नया चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आप यहां जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच वॉचिंग में लाइक करे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए धन्यवाद